अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं दो प्रोडक्ट्स का डेमो दे रही हूँ। एक तो डो विस्क है और इसको मिक्सर ब्लेंडर भी कहते हैं और ये काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में था, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ऑर्डर करती हूँ, फिर मैं भी इसका डेमो देती हूँ। ये इस चीज़ की ट्रेंडिंग है कि ये बहुत अच्छा आटा गूंद देता है। तो ये मैंने दराज से परचेज़ किया था और ये चाइना से इम्पोर्ट हुआ है और उसकी टोटल प्राइस में तकरीबन 531 की पड़ी है इंक्लूडिंग DC। और अच्छी प्रोडक्ट थी, स्टील का बना हुआ है ये और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मज़बूत भी है। और इसको हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। अब हमने थोड़ा सा आटा ले लिया और थोड़ा सा मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया था ताकि अगर आटा अच्छा गूंद जाए तो चलें घर में इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैंने इसको चलाना शुरू किया ताकि ये थोड़ा सा फॉर्म होना शुरू हो जाए आटा। अच्छा, शुरू में तो काफ़ी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हार्ड सा हो रहा है, लेकिन ये कि इसको मुस्तकिल मूव करने से थोड़ा सा आटे की फॉर्म बनना शुरू हो गई थी। जब आटा थोड़ा फॉर्म में आ गया तो थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन ये है कि अच्छा ये आटे से डो बन रहा था। काफ़ी दस मुझे काफ़ी प्रेशर ज़ोर भी लगाना पड़ा लेकिन ये है कि आटा मुझे फॉर्म होता नज़र आ रहा था। और काफ़ी देर तक मैं उसको उस तरह से मूव करती रही, बाहर तो मुझे नामुमकिन लग रहा था कि इससे कैसे आटा गूंद सकता है, लेकिन खैर मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी नज़र आ रही थी कि आटा फॉर्म होता चला जा रहा था और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद रहा था। अच्छा, इसमें ये अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा ना चिपक भी नहीं रहा था इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, विस्क के ऊपर ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा था और ये काफ़ी जो है अच्छा फॉर्म हो रहा था। मतलब इसको मैंने कई दफ़ा किया और आप देखें, आप देख सकते हैं कि इसको कैसे ये सॉफ्ट भी है और ज़्यादा चिपका भी नहीं है और अच्छी खासी इसकी फॉर्म आ गई है। और बस थोड़ा सा फिर मैंने इसको देख लिया था कि हाथ से मैंने इसको देखा है निकाल के, तो देखें इस तरह का टेक्सचर बना था, नरम मुलायम, बहुत अच्छा आटा गूंदा था। और ये काफ़ी कामयाब प्रोडक्ट लगी मुझे तो, और इसको आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट थी हमारे पास डिस्पोजेबल क्लिंग फिल्म कवर। अच्छा, ये आजकल काफ़ी इन है और जैसे हमारी क्लिंग शीट होती है उस तरह की है, लेकिन ये रीयूजेबल भी है, डिस्पोजेबल भी है। और अच्छा, मैंने इसको जो परचेज़ किया तो मुझे 384 की पड़ी इंक्लूडिंग DC कराची के लिए, और इसमें से तकरीबन 100 पीसेस निकले। बहुत प्यारा सा एक बैग उन्होंने दिया था मुझे, प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है। और देखें इसको खोलें तो ये कितनी एक्सटेंड हो जाती है ये। तो हमने इस पर कुछ डिशेस पे और कुछ बाउल पे इसको ट्राई किया कि हम देखते हैं कितने एरिया को कवर कर लेता है ये। तो देखें, ये अच्छा खासा अच्छा बड़ा बाउल था, ये भी आराम से कवर हो गया। अच्छा, ये डिश थी हमारी, इस पर देख लेते हैं। हाँ देखें, इस पर भी अच्छा खासा, बल्कि इसने पूरा ही कवर कर दिया इसको। अच्छा, ये प्लेट थी, इसका साइज़ भी अच्छा था और इस शीट ने इसको भी बहुत इजीली कवर कर लिया। मुझे तो खैर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है और इसने क्योंकि 100 बैग में 100 पीसेस थे, ये भी बहुत काफ़ी हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। और साथ में जो उन्होंने छोटा सा बैग दिया, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर नई उसके साथ में फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।